मोदी सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में काफी तेजी से काम कर रही है। देश के करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर है। हमने दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में क्या क्रांति आई है, क्या बदलाव आए हैं, क्या नए इनिशिएटिव आए हैं, क्या अर्थव्यवस्था के साथ कैसे जोड़ा है, सारी चीजों का गहन अध्ययन किया। इसके बाद हमने अपने अलग अलग लक्ष्य बनाए और सभी पर एक साथ काम शुरू किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में वृद्धि का फैसला किया है। इनमें तिलहन और सरसों, मसूर, गेहूं, जौ, चना और सनफ्लावर शामिल है। कैबिनेट की बैठक में बुधवार को किसानों को डायरेक्ट फायदा पहुंचाने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। इसके तहत रबी सीजन की 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य में करीब 7% तक की वृद्धि की गई है। बीते 9 साल में गेहूं की MSP में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। इस बार किसानों को गेहूं पर प्रति क्विंटल 150 रुपये ज्यादा मिलेंगे। मसूर के MSP में सबसे ज्यादा 425 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, जबकि तिलहन और सरसों की MSP में 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। ये कीमत मार्केटिंग सीजन 2024-25 से लागू होगी। किसानों की आय बढ़ाना सरकार का लक्ष्य। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार किसानों की आय को 1.5 गुना बढ़ाएगी। किसानों को पिछले साल की तुलना में तिलहन और सरसों में 200 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर पर 425 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं पर 150 रुपये, जौ पर 115 रुपये, चना 105 रुपये और सनफ्लावर पर 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। कैबिनेट ने 2024-25 में गेहूं के लिए 2,275 रुपये प्रति क्विंटल MSP को मंजूरी दी। पिछले 8 वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन में 31% की वृद्धि हुई है। क्या होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य? दरअसल किसानों को फसलों का उचित दाम मिलने के लिए MSP की व्यवस्था शुरू की गई। इसके तहत सरकार फसलों की एक न्यूनतम कीमत तय करती है। इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। इस व्यवस्था का फायदा यह है कि अगर कभी फसलों की बाजार कीमत गिर भी जाती है, तब भी केंद्र सरकार इस MSP पर ही किसानों से फसल खरीदती है। आज के लिए बस इतना ही। नई जानकारी और कुछ सरकारी योजनाओं के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्ते।